आप सभी दोस्तों को मनीष मिश्र का सलाम। दोस्तों, हम जिस समय में रह रहे हैं इसे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तकनीक की दुनिया है, और हमारी आने वाली नस्लें इस तकनीक से जिस तरह जुड़ी हुई हैं, तो पुरानी पीढ़ी को अक्सर ये लगता है कि ये पीढ़ी बर्बाद है, ये क्या करेगी। लेकिन ये आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर है और हमसे बेहतर कुछ करेगी, इसी उम्मीद और इसी विचार के साथ मैंने एक गज़ल लिखी। उसमें हाश्य का पुट भी है, गज़ल के सारे मीटर भी हैं और एक संदेश भी है। मुझे लगता है आप लोगों को ये गज़ल पसंद आएगी। गज़ल देखें। मीर गालिब की नस्लें चैट जीपीटी वाले शायर बनेंगे। मीर गालिब की नस्लें चैट जीपीटी वाले शायर बनेंगे, छा जाएंगे इंटरनेट दुनिया पर, ये पुष्पा द फायर बनेंगे। मीर गालिब की नस्लें चैट जीपीटी वाले शायर बनेंगे, छा जाएंगे इंटरनेट दुनिया पर, ये पुष्पा द फायर बनेंगे। ऑनलाइन डेटिंग चैटिंग सेल्फी के बेताज बादशाह, ऑनलाइन डेटिंग चैटिंग सेल्फी के बेताज बादशाह, अभी कतरा है देख लेना ये भी एक दिन समंदर बनेंगे। अभी कतरा है देख लेना ये भी एक दिन समंदर बनेंगे। अगला शेर देखें। तकनीक से दो दो हाथ साथ ही घंटों रियाज करते हैं, तकनीक से दो दो हाथ साथ ही घंटों रियाज करते हैं, निराश क्यों हो अम्मी अब्बू, ये यकीनन सिकंदर बनेंगे। निराश क्यों हो अम्मी अब्बू, ये यकीनन सिकंदर बनेंगे। हजारों ठोकरों के बीच जब बेरहम सवाल खड़े होंगे, हजारों ठोकरों के बीच जब बेरहम सवाल खड़े होंगे, लड़ेंगे जूझेंगे हकीकत से, गलत है कि ये कायर बनेंगे। लड़ेंगे जूझेंगे हकीकत से, गलत है कि ये कायर बनेंगे। ये नौकरी की तलाश में नहीं स्टार्टअप के नायक होंगे। ये नौकरी की तलाश में नहीं स्टार्टअप के नायक होंगे। तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ये ट्यूबलेस टायर बनेंगे। तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ये ट्यूबलेस टायर बनेंगे। इतनी चिंता करने से पहले सोचिए हम आप क्या थे। इतनी चिंता करने से पहले सोचिए हम आप क्या थे। यूं हमारे वालिद भी कहते थे हम बस फटीचर बनेंगे। यूं हमारे वालिद भी कहते थे हम बस फटीचर बनेंगे। और ये अंतिम शेर देखें कि इन हाथों की लकीरों में अब कौन जाने क्या लिखा है। इन हाथों की लकीरों में अब कौन जाने क्या लिखा है, पर मुझे भरोसा है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर बनेंगे। पर मुझे भरोसा है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर बनेंगे। मीर गालिब की नस्लें चैट जीपीटी वाले शायर बनेंगे, छा जाएंगे इंटरनेट दुनिया पर, ये पुष्पा द फायर बनेंगे। उम्मीद है ये थोड़ी अलग तरीके से गज़ल मैंने लिखी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत आभार।